प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछले वीडियो में मेंशन 8 नंबर की, अलजबरा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के, संख्यांक की आपके 10 नंबर की यूनिट बाय यूनिट करा रहे हैं, समझा रहे हैं। हम आपको 10th क्लास का टोटल सिलेबस करा देंगे। अब रहा हमसे घर बैठे बैठे आवेदन करते रहें, पढ़ते रहें और समझते रहें। ज़रा ध्यान दें, आपका क्वेश्चन या क्वेश्चन क्या, ज़रा ध्यान दें। तीन त्रिभुज को आपको शीर्ष से देखें, इसके निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर लाना है। ज़रा ध्यान दें, अपने आंसर का सलूशन देखिए। एक्स वन बराबर जीरो, वाई टू बराबर सॉरी एक्स टू बराबर जीरो, एक्स थ्री बराबर तीन, वाई वन बराबर जीरो, वाई टू बराबर तीन और वाई थ्री बराबर आपका जीरो। अब आप ज़रा ध्यान दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज़रा ध्यान दें। जो आपका फार्मूला या सूत्र है, एक बड़ा दो बड़ी ब्रेकेट स्टार्ट है, एक्स वन बाई टू माइनस वाई थ्री ब्रेकेट में प्लस एक्स टू बाई थ्री माइनस वाई वन जो आपका ब्रेकेट में प्लस एक्स थ्री जो आपका वाई वन माइनस वाई टू ब्रेकेट में, पूरी पूरी बड़ी ब्रेकेट से इसको बंद कर रखा है। आगे आप देखिए, एक बड़ा दो, एक्स वन का मान जीरो है तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी प्लस एक्स टू का जीरो है तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी प्लस एक्स थ्री का मान क्या है तीन, वाई वन का मान जीरो माइनस वाई टू का क्या है आपका तीन। अब जरा ध्यान दीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का 9/2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 4.5। जरा ध्यान दें, 4.5 माइनस में मिलेगा, ये आपका वर्ग मात्रक है, क्योंकि त्रिभुज को हम किस में काउंट करते हैं, वर्ग मात्रक में। यही आपका आंसर है, सोल्यूशन है। अगर आपको वीडियो सही का सटीक लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट प्राप्त होता रहे।